हैं इंडिया आज तक की लाइव आपकी आवाज। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है इंडिया आज तक की लाइव में। चलिए आज की ताजा और बड़ी खबरों की ओर रुख करते हैं। दहेज के लालची लोगों ने विवाहिता को धक्के मार कर घर से बाहर निकाला। आपको बताते चले कि मामला मुन्ने मियां चौराहा सराय तो पश्चिमी थाना कोतवाली शहर दिव्यांशी सिंह पत्नी सिद्धार्थ सिंह मुन्ने मियां चौराहा निवासी है। दिनांक 28 नवंबर 2019 को दिव्यांशी सिंह की शादी सिद्धार्थ सिंह से हुई थी। दान दहेज आज सब कुछ शादी में दिया गया, लेकिन ससुराल वालों के हिसाब से दहेज नहीं मिल पाया। इसी कारण दिव्यांशी सिंह को यह लोग प्रताड़ित करने लगे और तरह तरह के हथकंडे अपनाने लगे, जिससे कि पीड़ित होकर अपने मायके चली जाए। यही नहीं, कई बार मिट्टी का तेल डाल कर जलाने का और मारने का प्रयास भी किया गया। इस प्रकरण में सभी ससुराल गणों पर जो सम्मिलित है, जिसमें महेश बहादुर, श्रुति सिंह, लक्ष्मी सिंह, सत्या सिंह, वहीं सूर्य प्रताप सिंह, चंद्रशेखर सिंह, नेता सिंह, नेहा सिंह, नीतू सिंह आदि इन लोगों ने दिव्यांशी सिंह को रात्रि के 11 बजे घर से बाहर धक्का देकर निकाल दिया। मामला शहर कोतवाली पहुंच गया। अब देखते हैं कि आगे पीड़िता को न्याय कब तक मिलता है। सुशील कुमार यादव, इंडिया आज तक टीवी लाइव के लिए संवाददाता। बताइए आपका क्या नाम है, आपकी क्या समस्या है? मेरा नाम दिव्यांशी सिंह है, पति का नाम है सिद्धार्थ सिंह। मैं मुन्ने मियां चौराहा सराय तो पश्चिम में रहती हूँ। मेरे ससुर महेश बहादुर सिंह, मम्मी सास श्रुति सिंह, उन दोनों लोगों ने हमसे पैसे की मांग की, वह हमें मारा तोड़ा। जब हमने पैसे देने से मना करा, हमने कहा हमारे पापा हैं नहीं तो हम पैसे कहाँ से लाएंगे। तो उन्होंने मेरा रेप करने की कोशिश की, और जब हमने उस पर एक्शन लिया, हमने कहा हमें रेप किसने करने की कोशिश की? हमारे ससुर ने। जब हमने उनको ये सब मना किया, तो हमारी सास, हमारे ससुर, पति, जेठ, मतलब घर के सारे सदस्यों ने हमें मिलकर मारा। वहाँ हमें पेट्रोल डाल के जलाने की कोशिश की, हम कैसे भी करके अपनी बेटी लेके भाग आए वहाँ से। बस हम 3 दिन का, उन्होंने महिला थाने में हमने रिपोर्ट दी थी, उन्होंने जो है 3 दिन का टाइम मांगा। उन्होंने महिला थाने में कहा कि 3 दिन बाद आना। 3 दिन में बताइए हम क्या करेंगे, बच्ची को लेकर कहाँ जाएंगे? कई साल की बच्ची है? 2 साल की है।